रईस और काबिल को लेकर शाहरुख और ऋतिक की लड़ाई हर दिन तेज होती जा रही है। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अब शाहरुख और ऋतिक आ गए हैं आमने सामने। रईस वर्सेस काबिल की रिलीज डेट को लेकर नया अपडेट ये है कि दोनों फिल्में 25 जनवरी को रिलीज होंगी। रईस की वजह से काबिल को नुकसान न हो, इसके लिए राकेश रोशन ने काबिल की रिलीज डेट 26 जनवरी से बदलकर 25 जनवरी की शाम की थी। लेकिन राकेश रोशन को उस वक्त झटका लगा जब शाहरुख ने रईस की रिलीज डेट 26 जनवरी के बजाय 25 जनवरी अनाउंस कर दी। ऐसे में साफ हो गया कि राकेश रोशन रईस की रिलीज के पहले जिस एक शो का फायदा लेना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए राकेश रोशन ने फिल्म को 25 जनवरी को ही रिलीज करने का फैसला लिया है। एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि उनकी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की सलाह पर ये फैसला लिया गया है। शाहरुख और ऋतिक दोनों ही ये मान रहे हैं कि इस क्लैश की वजह से दोनों ही फिल्मों को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल इस क्लैश के पीछे एक कारण रईस का बार बार टलना भी है। फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर का कहना है कि वो अब फिल्म को और नहीं टाल सकते, लेकिन ऋतिक फरहान की इस दलील पर बिल्कुल खुश नहीं दिखते। इस टक्कर पर ऋतिक ने कहा, बॉलीवुड में कुछ लोगों को फिल्मों के बिजनेस की समझ नहीं है। हॉलीवुड वाले इस मामले में अपना कैलेंडर बेहतरीन ढंग से मैनेज करते हैं। वहाँ ध्यान रखा जाता है कि दो बड़ी फिल्में क्लैश ना हो। वो जानते हैं कि इसी में उनकी भलाई है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। ऋतिक ने ये भी कहा था कि वो दूसरों की नैतिकता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमेशा अपने बनाए उसूल और नियमों पर ही चलते हैं। दरअसल ऋतिक के नाराज होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि काबिल उनकी दूसरी बड़ी फिल्म है जो क्लैश की वजह से नुकसान उठाएगी। अब ऋतिक फिलहाल यही उम्मीद कर रहे होंगे कि रईस के आगे काबिल का वो हाल तो कम से कम ना हो जो मोहनजोदारो का रुस्तम के आगे हुआ था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।